हेलो भाइयों, मेरा नाम है विकास। आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा की रोयन गाड़ी के बारे में, जो कि अपने पास है अभी व्हाइट कलर में। ये गाड़ी सेम आपको अल्टिका की तरह देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर आपको सामने की साइड में प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैम्प नहीं दिए जाते। सामने की साइड में आपको टोयोटा का बड़ा सा लोगो और साथ में अमेजिंग डिजाइन की ग्रिल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको टायर के अंदर 185/65 R15 टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है। साथ ही आगे के दोनों टायरों में डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। साथ ही आपको बॉडी कलर में ORBM इंडिकेटर मिल जाते हैं और साथ ही आपको बॉडी कलर डोर हैंडल भी दिए जाते हैं। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एंटीना व्यू दिया गया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर में दी जाती है स्टॉप लाइट। यहाँ पर आपको कोई भी डिफोकर वाइपर देखने का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में दो रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं और साथ ही बैक साइड में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियो ड्राइव एस की बैचिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर आपको 185 की ग्राउंड क्लीयरेंस दी जाती है और ये स्पेयर व्हील के नीचे की साइड में प्लेसमेंट की गई है। साथ ही आपको 45 लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इस प्रकार की आपको की देखने को मिलती है जहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बात करते हैं आगे वाले डोर के बारे में। यहाँ से आप सभी विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही डोर ओपनर और बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है और स्पीकर की प्लेसमेंट भी दी जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको सीट को आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। इसके नीचे आपको फ्यूल टैंक ओपन करने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट मिल जाती है। स्टीयरिंग को अपने हिसाब से टिल्ट किया जा सकता है, टेलीस्कोप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है। क्लस्टर आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम आपको इस प्रकार का दिया गया है। कोई भी फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलते। हाँ, साथ ही आपको मैनुअल AC के कंट्रोल जरूर देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट साथ ही और USB केबल, यहाँ पर खाली स्पेस, साथ ही डोल कप होल्डर मिल जाते हैं। इस प्रकार का आपको 6 स्पीड गियर मिल जाते हैं। इस प्रकार के आपको रूप के अंदर हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको फोल्डेबल ग्रे बंडल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ग्लोब बॉक्स देखने को मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स के अंदर कोई भी लाइट प्लेसमेंट नहीं दी गई। बीच वाले डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल, साथ ही डोर ओपनर, बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। बीच वाली सीट के अंदर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बोतल होल्डर देखने को नहीं मिलता। बीच में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड का व्यू इस प्रकार का मिलता है। साथ ही आपको AC ऊपर की साइड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको AC कंट्रोल मिल जाते हैं। पीछे की साइड पे आपको दोनों साइड में ग्रे हैंडल मिल जाते हैं। ये इस गाड़ी का बूट स्पेस, काफी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। बस इतना इस वीडियो के अंदर। बात करते हैं इसकी एक शोरूम प्राइस के बारे में, जो आपको 11,90,000 रुपए देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।